देखो एडमिशन में हमने लास्ट क्लास में आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराया था जिसमें तीन चीजें बनानी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। देखो न्यू रेशियो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको। ज्यादातर क्वेश्चन में मैं एक बात बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन में केस नंबर वन होगा न्यू रेशियो का, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद नंबर दो पे बेटा आपको गुडविल की एंट्री याद होनी चाहिए। भाई जब भी नया पार्टनर आता है तो खाली हाथ नहीं आता, गुडविल और कैपिटल लेके आता है। तो सबसे पहले आपको एंट्री पता होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैपिटल तो हमेशा लेके आएगा, हो सकता है कई बार गुडविल ना लेके आए, तो गुडविल नहीं लेके आएगा तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अच्छा कई बार कैपिटल लेके भी आएगा, गुडविल भी लेके आएगा और उसे विड्रॉ कर लेगा गुडविल को, तो तब क्या होगी बेटा, सबसे पहले लाने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद उस गुडविल को बांटने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बेटा अगर उस गुडविल को हम विड्रॉ कर रहे हैं तो एक एंट्री उस गुडविल को विड्रॉ करने की भी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन में यही होगा। उसके बाद बेटा अपना अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कुछ पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनका क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है ए और बी आज पार्टनर है, आज के बाद एक नया पार्टनर आ रहा है सी, तो पहले के ना प्रॉफिट के में हिस्सेदारी है उसकी ना लॉसेस में। भाई आज की डेट में जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो कौन सी डेट के हैं? सर वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएंगे, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। और इसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन, अब रिवैल्यूएशन में मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं, थोड़ा और कर दूंगा। तो इन सारी बातों को अगर आप माइंड में रखोगे तो आप 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मुश्किल से 8 मिनट में भी से कम टाइम में सॉल्व कर दोगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, एक क्वेश्चन मैं अब आपको अभी करा रहा हूं, तो आप बुक निकालिए जल्दी से। जरा क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 59 से पहले हम लोग एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें गुडविल विड्रॉ करने का है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप 59 से पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन करा लेता हूँ जिसमें गुडविल वगैरह विड्रॉ हो रही है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं पहले, क्योंकि 59 बहुत ईजी है, क्योंकि बच्चों को फिर लगता है सर इजी क्वेश्चन तो है ना आप खुद करा देते हो और टफ क्वेश्चन हमें दे देते हो, जबकि सब इजी है ना। आइए 65 क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3। दो पार्टनर है बेटा एक्स और वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो एक्स और वाई पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 है। ओके डन। आगे क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे एडमिट जेड इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर। इन्होंने किसको एडमिट किया बेटा? 1/8 शेयर के लिए Z को एडमिट किया। Z bring 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill in cash। बेटा जो Z है ना वो 20,000 रुपए कैपिटल के लिए क्या है और 12,000 किस चीज के लिए क्या है? Z acquire his share entirely from X। अब देखो ये पॉइंट इसे अंडरलाइन कर लो, क्या लिखा है, Z acquire his share from X। Z ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया बेटा? X. Z acquire his share from X. Z ने अपना शेयर किससे लिया है? अब बताओ इस केस में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? X. मतलब क्योंकि जब साफ साफ लिख दिया Z acquire his share from X, Z ने अपना सारा का सारा शेयर किससे लिया है, तो Z का शेयर क्या है बेटा? 1/8। मतलब वो 1/8 उसने किससे लिया है? X से लिया है। तो इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है? X. तो यानी कि जो गुडविल है ना 12,000 की, वो सारी की सारी किसको मिलेगी बेटा? एक्स को, क्योंकि जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर उसी को मिलती है ना, और यहाँ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स। ये बात कैसे पता चली? इस छोटी सी लाइन ने बदल दिया खेल। क्या सब कुछ, मतलब जो एक्स का 1/8 वो अब जेड का हो जाएगा और उसके बदले उसने उसको गुडविल दे दी 12,000। आगे देखिए, तो सीधी सीधी बात है, लास्ट में हमें बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्रीज करनी है और न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर तो दुनिया का सबसे आसान काम है। यहाँ पे बताओ एक्स का न्यू पीएसआर क्या होगा? एक्स का न्यू पीएसआर क्या होगा?
पहले मिलता था 5/8 माइनस 1/8, तो क्या हो जाएगा सर 4/8। अच्छा वाई का न्यू पी एस आर क्या होगा सर, सेम रहेगा 3/8, और जेड का आपको पता ही चल गया 1/8, तो 4:3:1। अच्छा नया पार्टनर खाली हाथ आया, कुछ लाया है सर? लाया है ना, 20,000 रुपए कैपिटल के लिए क्या है, और 12,000 गुडविल के, तो एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से। तो एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट 32,000 टू किसका कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड्स का कैपिटल अकाउंट कितना होगा 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा सर, अब आपको पता है बच्चे बच्चे को पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से पार्टनर में बैठता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये जो 12,000 है वो सारा का सारा किसको मिलेगा बेटा, एक्स को मिलेगा, सारा का सारा एक्स को मिलेगा। क्यों सर सारा का सारा एक्स को मिलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस सारा का सारा कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो अभी तक की हमारी कहानी होगी, हमने पहले दो पॉइंट्स के बेस पे न्यू रेशियो निकाल दिया, और हमने कौन सा रेशियो निकाल दिया, जेड ने सारा का सारा शेयर किससे लिया है, एक्स से। तो भाई सैक्रिफाइस अकेले कौन कर रहा है, एक्स, तो वो सारे की सारी गुडविल किसको मिल जाएगी, 12,000 एक्स को मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन नहीं सर। ओके अब हम तीन चीजें बनाते हैं, कौन सी तीन चीजें थी बेटा, वो बच्चे बच्चे को पता है कौन सी तीन चीजें थी, एक मिनट बेटा नोट करने के लिए। पहला होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने पार्टनर्स उतने कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है हमारे बताओ, तीन, कौन कौन से हैं, एक एक्स वाई जेड, और थर्ड क्या बनेगी बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बिल्कुल जरूरी बेटा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बगैर आप बैलेंस शीट बना ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट, अब आप बोल दो 12th पास के लिए 10th पास जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आपसे बोला है कि 12th पास तो 10th पास तो होना जरूरी है, तो अगर उसने बोला है बैलेंस शीट बनाओ, तो बिना कैपिटल अकाउंट के आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी नई कैपिटल आएगी वो बैलेंस शीट में आपको लिखनी होगी। तो आइए देखते हैं, तो स्टार्ट विद एडजस्टमेंट, पहली एंट्री कर ले हम, बताओ नया पार्टनर कितने रुपए लेके आया, 32,000। तो बताओ हमारे पास पहले से कितने रुपए थे, जरा ध्यान से देखना, बैंक में पहले से कैश एट बैंक कितना था पहले से, 5,000, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ, कैश एट बैंक पहले कितना था 32,500, पहले था 32 और आया तो कितना हो गया 37 आया। अच्छा कैश अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर का कैपिटल, तो यहां लिख दें बाई बैलेंस बीडी के लिए जगह छोड़ देते हैं, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था। तो बाई कैश करके नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 20,000, 20,000 बाई कैश करके 20,000 ला रहा है। अच्छा बताओ बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके किसको मिल रहा है, जल्दी से बताओ कितना, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके किसको मिल रहा है, एक्स को, कितना मिल रहा है 12,000। इसके अलावा कुछ और है क्या क्वेश्चन में, नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो देखो ये एंट्रीज यही तो थी यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैंने कैश की पोस्टिंग कैश में कर दी, जेड का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है जेड का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, एक्स का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो एक्स का कैपिटल भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर दो, पहला है भाई इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाई 5,000, 5,000 से बढ़ रही है इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी, कितने से बढ़ रही है बताओ, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी थी कितनी 10, अब कितनी होगी, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, नुकसान, तो यहां लिख देंगे 2EPF, कितने का नुकसान हो रहा है हमें 5,000। अच्छा अब जो नई लायबिलिटी आएगी वो कितने की आएगी, ईपीएफ पहले से 10 की थी, 5,000 से और इंक्रीज हो गई, तो आप नई लायबिलिटी बुक्स में कितने की आएगी, 15,000 की। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड की जो नई लायबिलिटी आएगी बेटा वो 15,000 रुपए की आएगी। सेकेंड एडजस्टमेंट जल्दी से पढ़ो सभी बच्चे, नोट कोई नहीं करेगा, नोट करने का सफिशियंट टाइम है बेटा। इसका क्या मतलब होगा, ऑल डेटर्स आर गुड, मैंने उसी दिन ही बता दिया था, जब डेटर्स अच्छे हैं तो क्या प्रोविजंस की जरूरत होती है भाई, प्रोविजंस की जरूरत कब होती है, जब डेटर्स पे डाउट होता है पैसे नहीं देंगे, ये बोल रहा है डेटर्स तो अच्छे इंसान है, भले इंसान है बेचारे, पैसा दे देंगे, तो क्या हमें कोई प्रोविजन की जरूरत है, तो बेटा ये प्रोविजन खत्म करेंगे तो हमारा फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा, तो हम यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना
600 और डेटर्स अब पूरे के पूरे आ जाएंगे कितने के 20,000 के, डेटर्स पूरे के पूरे 20,000 रुपए के आ जाएंगे। तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट पर आते हैं। स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑफसेट आइटम हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। स्टॉक में कितने का ऑफसेट आइटम होता है? तो 3,000 का ऑफसेट आइटम होता है, तो इनको हमने क्या कर देना है? ऑफसेट मतलब खराब, खराब घटिया है ना, तो अब हमें उस नुकसान है ना, हमारा स्टॉक खराब है ना, तो 3,000 से स्टॉक कम होगा हमारा। तो अब नया स्टॉक कितने का आएगा जल्दी से बताओ? तो नया स्टॉक आएगा 22 का। नेक्स्ट क्या अपना? नेक्स्ट है बेटा, क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर को हमें कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं बेटा? 1,000 ज्यादा। फायदा है नुकसान है? तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो टू क्रेडिटर्स कितना होगा? 1,000। अब बैलेंस शीट में नए क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे? 16,000 के। अब मैंने प्लस करके नहीं देखा है, समझदार बच्चे हो तुम। फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। फिक्स एसेट्स कितने पे रिवैल्यूड होंगे? पहले कितने के थे? तो अब बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? टू फिक्स एसेट्स कितना सर? 10,000। अब नए फिक्स एसेट्स कितने पे आ जाएंगे? 70,000। अब सारी एडजस्टमेंट हमारी होगी, कोई बची है क्या? अब आ जाओ एसेट साइड, जो अनचेंज्ड एसेट्स हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। पहले कैश एट बैंक हो चुका है हमारा, हो गया ना भाई, वो कैश नहीं ऐड करते हम शुरू में जो ला रहे हैं उसमें। सेकंड क्या है? डेटर्स हो चुका है, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। अब बेटा एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट या लॉस? मैंने लिखवाया था, पढ़ने की गलती आपने करी नहीं होगी, मैंने लिखवाया था बेटा एसेट साइड पीएनएल का मतलब लॉस होता है और लायबिलिटी साइड पीएनएल का मतलब प्रॉफिट होता है। तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाते हैं। ओल्ड पार्टनर कौन है बेटा? एक्स और वाई। और ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। तो 2400 को 5:3 में बांटोगे तो कितना आएगा? 1500 और 900, 1500 और 900। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दुख होता है बेटा जब बच्चा बोलता है सर ये प्रॉफिट है, कलेजा फटता है टीचर का कि बच्चों को इतना पढ़ाया थोड़ी देर पहले, उसके बाद भी बच्चा बोलता है एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस सर प्रॉफिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आपका फटता है, हमारा थोड़ा फटता है, फटने दो, आपके भी बच्चे देखेंगे हमारा क्या मतलब है। ठीक है सर, अच्छा है। अब आते हैं बेटा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर आएगा, बिल्कुल आ गया सर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अरे सर एक कुछ नई चीज आ गई, क्या आ गया सर? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, याद है अगर किसी एम्प्लॉय का सर कट जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, नाक कट जाए, गर्दन कट जाए, हमने उसके लिए कितने बचा के रखे? तो क्या हुआ? कुछ हुआ होता तो बताता ना नीचे, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कितना प्यारा बच्चा है, कौन से पार्टनर बेटा, कौन से पीएसआर? चलो जय माता दी करके बाई WCF। बताओ भाई बांटो जरा 5800 को 5:8 में 3625 2475, जल्दी से बांटो जरा। मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ बेटा। नहीं नहीं, 5800 को बांटना है 5:3 में 3625 2121। मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं बंसल, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फिर क्या दे रखी है? कैपिटल। सर कैपिटल दे रखा है 70 और 31, तो हम कैपिटल को 70 और 31 यहां लिख देते हैं, 70,000 और 31,000। कोई दिक्कत है, कोई शक है, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट? सर क्या कुछ बचा? सर नहीं, सारी एडजस्टमेंट होगी। जनरल रिजर्व कहाँ है? आप बैलेंस शीट कौन सा? नहीं कैपिटल तो आपने डाल दी ना, नई कैपिटल निकालोगे वो आएगी बैलेंस शीट में भाई। आपकी ओल्ड कैपिटल थोड़ा ना है, अब तो कैपिटल आपकी चेंज होगी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कैपिटल में हुई है। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे
मूल्यांकन खाते की तरफ से, मतलब रिवैल्युएशन अकाउंट। हम देखेंगे रिवैल्युएशन अकाउंट में लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी बता देगा, छोड़ो सर जो बच्चा भी अभी पैदा हुआ वो भी बता देगा लॉस 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 लॉस। तो बताओ सर, 5, 3, 8 और 1, 9, 10, 9, 19 19,000 19,000 तो बाई रिवैल्युएशन लॉस कितना है? 18,400 18,400 को बांट देंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में एक्स और वाई को ही मिलेगा, जेड का कोई रोल नहीं है। मिल देखो एक्चुअली गुडविल के लिए सिर्फ सैक्रिफाइसिंग है सर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं नहीं देखना, बाकी सब जगह क्या देखा जाएगा? ओल्ड रेशियो। गुडविल सिर्फ कौन से रेशियो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग। तो भाई सीधी सीधी बात है, तो बताइए सर 18,400 को बांटिए 11,500 और 6,900। बहुत अच्छी लड़की, भगवान सबको ऐसी लड़की दे। ठीक है तो बेटा अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है? लॉस। तो ये कैपिटल में कौन सी साइड जाएगा? कलेजा मत फाड़ना मेरा, कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड। अरे यार बचपन से मैं पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गया, लॉस आते ही कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट आते ही कैपिटल, कोई भी हो कहीं भी हो कैसा भी प्रॉफिट हो सर आप मरोगे क्योंकि तुम मारोगे मुझे, है ना। तो आ जाओ टू रिवैल्युएशन अकाउंट लॉस, है ना। तो बताओ 11,500 और 6,900 क्या सर ये समझ में नहीं आया आपको? अब बताओ, अब सर ये नर्सरी क्लास का काम बचपन में कराते थे, 5 + 5 - 5 / 5 ये अब यही प्लस माइनस ही तो करना है। लो बच्चा इसमें भी परेशान हो जाता है क्योंकि देखो वो यहाँ आता है जैसे ना सर्कस देखने नहीं जाते आप, सामने मदारी होता है वो आपको आप भाई ये एग्जाम्पल है ना, तुम कई बच्चे ऐसे आते हैं मदारी बन सर बढ़िया खेल दिखा रहे हैं सर मजा नहीं आया थोड़ा, अरे भाई हाथ पैर चलाओ, हाथ चलाना पैर मत चलाना, है ना। तो करो कैलकुलेशन तब जाके मजा आएगा, देखो उसको इतना मजा आ गया आज का पैसा वसूल हो गया सर, फीस को डिवाइड करो 365 से और आज का पैसा वसूल है तुम्हारा। चलो बताओ 82 85 625 31 बताओ बेटा 33 33 175 और इधर का तो बैलेंस सीट है। अब यहाँ थोड़ा सा फिर परेशानी हो गया, तकलीफ होगी हमें यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 85625 85625 85625 - सर 13,000 13,000 है ना, तो कितना आएगा 72625 ऐसे बेटा इधर का टोटल करेंगे 33175 है ना, उसमें से माइनस कर दो 7800 माइनस करो सर बताओ क्या आएगा, जैसा कि बच्ची बता रही है 257 275 375 आगे बढ़ो 20,000 बस, है ना। देखो आओ अब यही वाली कैपिटल यहां लिखी जाएगी, कैपिटल कौन सी वाली लिखी जाएगी? एक्स वाई और जेड 72625 और 25375 और 20,000 इन तीनों का जो सम आएगा वो यहां लिखा जाएगा और फिर बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा बेटा वो मैच हो जाएगा आपके आंसर से। ठीक है हाँ यही आएगा। ठीक है बेटा तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है, अब ये बेचारी इस मासूम सी बच्चे ने ठेका ले रखा है कैलकुलेशन का, पिछले साल एक बच्चा, हर साल एक ही बच्चा करता है, पिछले साल एक रक्षित नाम का बच्चा था उसने ठेका ले रखा था कैलकुलेशन का, इस बार इस बंसल ने ठेका ले रखा है ना। हर साल को ये, क्या ये पेपर अकेले देगी? हाँ भाई बोलो, तो कैलकुलेशन करो बेटा, यहाँ पे 3 घंटे का शो मत देखो बैठ के आराम से, पानी पुनी पी के कॉफी काफी पी के, चलो वो कॉफी ला रही है तो जेन्युइन है। हाँ हाँ भाई
एक मिनट, सिर्फ न्यू रेशियो का पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 70, मैं एक बार न्यू रेशियो का पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। देखो क्या पॉइंट है न्यू रेशियो का, ध्यान से समझना क्या बोला है क्वेश्चन में। ए बी पार्टनर है, हाफ ए को जाता है, ए को हाफ, ए का कितना है सर हाफ है, बी का कितना है और सी का कितना है, ये सी नहीं है मतलब यहां जनरल रिजर्व है ना, तो आप बेस इक्वल कर लो। तो अब क्या इसको आप सबको टू कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं सबको टू, कैसे करेंगे सबको, सबको सिक्स कर सकते हो, टू टू से मल्टीप्लाई करके, थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करके, तो थ्री इज टू, टू इज टू वन, तो अब ये वन जनरल रिजर्व थोड़ा ना पार्टनर है, तो आपका रेशियो क्या होगा, तो मतलब आप ये लेके चलो क्वेश्चन में ए रेशियो बी इज इक्वल टू थ्री इज टू टू। अब आगे करो, तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 में, अब हमने आपको बता दिया ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर व्हिच व्हिच डेट द बैलेंस शीट वाज ऑफ द फर्म, वाज बैलेंस शीट दे रखी है फर्म की। पहला सी 25,000 रुपए कैपिटल के लेके आया, 5,000 गुडविल के लेके आया, मतलब सी को 1/5 शेयर मिल रहा है, सी को 1/5 शेयर मिल रहा है, और 1/5 शेयर के लिए वो 25,000 कैपिटल के लेके आ रहा है और 5,000 गुडविल के लेके आ रहा है, तो टोटल कितने रुपए लेके आ रहा है 30। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% है, ओके क्राइटर ये है। अच्छा न्यू रेशियो के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा गया, आगे मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो कौन सा केस है बेटा, फर्स्ट केस, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या इसमें अलग से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है, नहीं, तो मैं यहां लिख दूं ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो नया पार्टनर बताओ कितने रुपए लेके आया, जल्दी से बताओ, 30,000, तो एंट्री होगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सीज कैपिटल, कितना होगा सी की कैपिटल होगी 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना होगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन से पार्टनर बढ़ता है, कौन कौन है सैक्रिफाइसिंग, ए और बी, तो बताओ क्या होगा 5,000 है, 3,000 और 2,000, क्या इसके अलावा कुछ और है, नहीं। तो बेटा क्वेश्चन में हमेशा वही तीन चीजें बनेंगी, पहले को हम क्या बोलेंगे रिवैल्यूएशन, दूसरे को हम क्या बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरे को क्या बोलेंगे बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं, फर्स्ट है बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा हमारा बैलेंस शीट, और थर्ड पे हमें क्या बनाना है बेटा कैपिटल अकाउंट। कितने हैं कैपिटल बताओ, थोड़ा जगह कम पड़ गई सी के लिए, दोबारा बनाता हूं, आइए देखते हैं। ए बी सी है ना, तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पे क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो आपका 30,000 रुपए नया पार्टनर ला रहा है, तो बैंक में 5,000 थे, तो बैंक में 5,000 थे और नया पार्टनर कितने और लेके आ रहा है 30, तो टोटल कितने हो गए 35, टोटल कितने हो गए 35। अच्छा ये देखो ना एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 30 था, 5 पहले से था, 30 और आया, कितने हो गए 35। सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो बाई बैलेंस बीडी करके लिखेंगे यहां, बाई कैश कितने रुपए लेके आ रहा है 30, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या था 3,000 और 2,000। आगे बढ़ो, तो बताओ फर्स्ट एंट्री की तो पोस्टिंग होगी, कैपिटल को कैपिटल में लिख दिया, गुडविल को गुडविल में लिख दिया, और जितना पैसा आया वो सारा का सारा हमने बैलेंस शीट में कैश में लिख दिया। पॉइंट नंबर टू, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, स्टॉक कितने से अंडर वैल्यूड होगा, मतलब कम है या ज्यादा है, तो हमें उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा
इंक्रीज, मैंने परसों ही बताया था अंडर वैल्यूड, मतलब आपका जो बुक्स में स्टॉक आ रहा है कितना आ रहा है बेटा 18,000। एक्चुअल में ये जो 18,000 आपकी बुक्स में आ रहा है ना, ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ये कितने परसेंट वैल्यू पे है, 90%। तो 100% वैल्यू क्या होगी, 20,000। बेटा दोबारा समझो, ये एडजस्टमेंट में ऑलरेडी आपको कवर करा चुका हूं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक अंडर वैल्यूड है कितने परसेंट से, मतलब जो बुक्स में स्टॉक है क्या वो एक्चुअल वैल्यू पे है 90% वैल्यू पे है, क्योंकि वो 10% कम है ना, तो जो 18,000 है वो 90% है। ऐसे कर दोगे ना 18,000 का 10%, वो भी गलत, मार्क्स भी गलत और तुम भी गलत, ठीक है। 18 देखो, अंडर वैल्यूड बाई 10%, मतलब जो बुक्स में स्टॉक आ रहा है वो कितने परसेंट वैल्यू पे आ रहा है, क्योंकि वो कम है ना 10%, तो उसकी 100% वैल्यू क्या होगी, तो यहां स्टॉक बढ़ेगा कितने से, 2000 से। तो आपका फायदा होगा नुकसान होगा, फायदा होगा यहां लिखूंगा बाई स्टॉक 2000। अब नया स्टॉक कितने का आएगा बेटा, 20। नया स्टॉक कितने का आएगा, 20 का। सेकंड, क्रेडिटर इंक्लूड अ लायबिलिटी ऑफ 4000 व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय क्रोट एट 3200। मतलब क्रेडिटर जो आपके यहां बुक्स में आ रहे हैं ना, कितने के आ रहे हैं, 20,000। इसमें से एक लायबिलिटी है जो 4000 की है, जो 3200 पे सेटल करी है कोर्ट ने, तो हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हो गया 800 रुपए का, क्या हो गया फायदा, क्योंकि आप क्रेडिटर को हमें कितने पे कम पे करने पड़ेंगे, 800। तो बाई क्रेडिटर कितना, 800 का हो गया ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, है ना, क्रेडिटर हैं कितने के बेटा, तो देखो दो तरीके से हैं, मैं इसको बता देता हूं, 19,000 सॉरी क्रेडिटर सीधा लिख देता हूं 19,200। अच्छा, आप कई कई बुक्स में पता है क्या सॉल्यूशन है, मैं बता देता हूं आपको, ऐसा ना लगे हमारे सर को तो आता ही नहीं था। देखो इसमें दो तरीके से अजम्पशन ली जाती है, ये भी अजम्पशन ली जाती है कि क्रेडिटर को हमने 3200 पे कर दिए, तो क्या करा होगा, 3200 कैश से माइनस कर दिया होगा, 3200 क्रेडिटर से माइनस कर दिया, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमने पे करना है, हमारा फायदा हो गया, बस हमें इतना नोट कर लिया कि भाई हाँ क्रेडिटर को 800 रुपए आप क्या देने, कम देने, ये तो डिसाइड हो गया कोर्ट से, बट हमने अभी 100%। आप चाहो तो दूसरा तरीका ये भी है, आप 800 रुपए आपने कम कर लिए, और आप चाहो तो 3200 क्रेडिटर को पे कर दो, तो 3200 यहां से भी माइनस कर दो और 3200 कैश से भी माइनस कर दो, ठीक है, वो भी एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है। ई पॉइंट पे आ जाओ, इन रिगार्ड टू डेटर्स, डेटर्स के रिगार्ड में द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल, जो फॉलोइंग डेट्स हैं वो प्रूव हुए हैं बैड और डाउटफुल, मतलब या तो बैड है मतलब पूरी तरीके से डूब चुके हैं, या संदेह है ना। तो बेटा 2000 एक्स हैं, पूरे के पूरे डूब गए, एक्स ने कितने रुपए देने थे सर, पूरे के पूरे डूब गए, वाई ने कितने देने थे, 50% डूब रहे हैं, मतलब कितने का नुकसान हो गया, 4000। एक्स ने दो देने थे, दो के दो डूब गए, वाई ने चार देने थे, 50% डूब रहे हैं, तो दो दे, तो टोटल कितने का नुकसान हो गया बेटा, तो मतलब टू बैड डेट्स कितना हो जाएगा, अब बताओ बेटा बैलेंस शीट में डेटर कितने के थे, माइनस, तो कितने हो गए बेटा, 18। हाँ बोलो डाउट, इंसॉल्वेंट मतलब बैड डेट्स हो गया ना, खत्म कहानी, हमारी तो एक ही एंट्री होती है बैड डेट्स टू डेटर्स, अब यहाँ एंट्री होगी हमारी, भाई सीधी सीधी बात होगी ना, हमारे तो पैसे डूब रहे हैं ना, हम क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बिल्कुल 4000 से, 2000 वो पूरे और 2000 वो पूरे, हमारे तो पूरे 4000 डूब गए ना, बट 50% है ना, नहीं हमें रिकवर्ड कहां, रिकवर्ड तो तब होगा ना जो अगले साल ये डूबा हुआ पैसा हमें मिलेगा, अभी तो डूब रहा है पैसा, रिकवर कहां हो रहा है, एक्स ने देने थे हमारे, अभी हमने उसकी बैड डेट्स की एंट्री थोड़ा ना करी है, अभी तो मेरी डेटर्स के लिए ये थोड़ा ना बोला डूबा हुआ पैसा मिल रहा है,
भाई उसने देने थे, अभी तो हम बैड डेट्स की एंट्री कर रहे हैं, अगर अगले साल देगा तो ये होगा। अब देखो ना, वाई ने हमारे कितने रुपए देने थे, 4,000, उसने कितने दिए, 2 नहीं दिए ना। अब अगले साल 2 देगा ना, तो ये सोचोगे जो तुम अभी सोच रहे हो। अभी हमने उसकी बैड डेट्स की एंट्री थोड़ा ना करी है, अभी तो वो बैड डेट्स हो रहा है, तो बैड डेट्स टू डेटर फिर एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। तो हमारे लिए तो 4,000 है ना, ये रिकवर मत सोचो तुम कि ये डूबा हुआ है, 50% रिकवर हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा, अभी तो डूब रहा है। 4,000 देने थे, 2,000 ही दे रहा है, तो 2,000 अभी नुकसान हो रहा है। अब ये 2,000 अगर अगले साल वो दे देगा तो जो तुम सोच रहे हो फिर होगा। आइए सर, कंप्लीट हो गया सारी एडजस्टमेंट, अब उन एसेट्स को एज इट इज लिख दो बेटा जिनमें कोई चेंज नहीं है। बताओ कौन सी एसेट्स, बिल्डिंग में कोई चेंज आया क्या, तो एज इट इज लिख दो, बताओ कितना है, कितना है। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज आया है, तो एज इट इज लिख दो कितना। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है सर। स्टॉक में भी चेंजेस हो चुका है, डेटर्स में भी हो गया, बैंक में भी हो गया। लायबिलिटी साइड आ जाओ बेटा, सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल को बैलेंस बीडी लिख देंगे 50 और 40, 50,000 और 40,000। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिजर्व्स, तो बताओ रिजर्व्स का क्या होगा। भाई सीधी सीधी बात है, जितने पुराने प्रॉफिट है लॉसेज है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएंगे। अब रिजर्व बताओ प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो भाई रिजर्व बताओ कितना है बेटा, 10,000। और ओल्ड रेशियो क्या है, 3:6,000 और 4,000। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, क्रेडिटर, क्रेडिटर 20,000 के एज इट इज आ जाएंगे। अच्छा हो गए, क्रेडिटर के बाद क्या भाई, एज इट इज आ जाएंगे, बताओ कितना है। कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई कठिनाई, कोई परेशानी। अब तो बेटा दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है कितने का बेटा, 1200 का लॉस है, तो कौन से पार्टनर में बैठेगा बेटा, बाई रिवैल्यूएशन लॉस कितना बैठेगा, 1200 में, किसमें बैठेगा, ए और बी में। बताओ बांटो जरा, 720, 480 है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस होगा कितने का, 720 और 480 है ना। तो आओ भाई देखते हैं, मैं बिल्कुल घमंड नहीं करूंगा, सी का टोटल मैं करूंगा, कोई बच्चा नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा, पहले सी का टोटल करूंगा, बहुत टफ है। टू बैलेंस सीडी, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, कमिटमेंट का पक्का इंसान हूं। आगे बताओ, अब भाई तुम बता दो भाई, ये भी 50 गलत, 50 और 3, 53 और 6, 59,800 नहीं आ रहा, 50, 3, 53 और 6, 800 अच्छा 6,000 है क्या, अच्छा मैंने कुछ गलत पढ़ लिया लग रहा है, कोई नहीं बेटा इंसान हूँ, गलतियाँ हो, मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है या नहीं है, मैं तो ये चेक कर रहा था कि बोर्ड पे कितने बच्चों का ध्यान है। 59,000, 46,000 कितना अच्छा बच्चा है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। आ जाओ, 58 to 80 धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है ना, 59 to 80। तो बताओ भाई क्या होगा अब इसके अलावा, 4, 5, 5, 2, 0 तो 4, 5, 5, 2, 0 क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है सर, बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। आगे आप बताओ बेटा कहाँ लिखूंगा मैं, बताओ कहाँ लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा जल्दी से बताओ, बैलेंस शीट में, कैपिटल आएगी कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में लिखते हैं इस कैपिटल को, बताओ ए की कैपिटल कितनी आई, अब यहां लिख देता हूं कैपिटल ए की, बी की और सी की, 58,280
45520 और बेटा उसके बाद क्या है जल्दी से बताओ 13,000। अरे यार अभी तो मैंने बोला भगवान ने उस माँ को धन्य किया जिसने तुझे जन्म दिया, फिर तू ऐसी गलती कर रहा है। मतलब मम्मी की तारीफ भी नहीं सुनी जा रही तक से। 45520 अब बताओ बेटा टोटल धन्य वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया 1383 है ना 1338 टोटल वही आएगा बेटा जो बुक में आ रहा है। चैलेंज मत करना है ना, आ जाओ भाई। देखो बेटा आप ऐसे गलत चीजें मत बताया करो, जब कैपिटल 30 थी तो 25 थी तो आपने 30 क्यों बताई मुझे? हाँ तो सही सही बताया करो। तो यहाँ पे कैपिटल है बेटा 25, तो कैपिटल 25 है तो ये समझ गए 128,800 आएगा। प्लीज थोड़ा ध्यान दिया करो, ऐसे क्लास में गलत मत बताया करो। सॉरी सर।